सो करण बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले बिग बॉस देख रहे हैं? हाँ, बिग बॉस तो ऐसा शो है कि वो जबरदस्ती दिखाया जाता है, कहीं भी आप देख ना रहे हो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आता रहता है कुछ ऐसा मतलब एक टीजर टाइप जो मन करता है अरे क्या हुआ ये कैसे हो गया, तो फिर देखना पड़ता है। तो आपकी जो दोस्त हैं यू नो अंकिता, हाँ जी हाँ जी, विक्की का जो गेम है सबसे पहले आप जानना चाहेंगे? यार आई डोंट थिंक उनका कोई गेम वेम है, वो वैसे जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं मस्त। आई थिंक अंकिता को बाहर और टाइम मिल जाता है इधर उधर घूमने का, यहाँ पे सिर्फ विक्की और वही हैं, ज़्यादातर दोस्तों से घिरे रहते हैं ना वो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब शायद दोनों साथ में हैं सिर्फ, और दोनों को गेम मतलब लोगों के साथ गेम खेलना पड़ेगा तो शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है। बट जिस तरह से विक्की बार बार नो अंकिता बार बार कहते हैं कि तुम मुझे टाइम दो, रो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, बट विक्की कह रहा है कि मैं क्या करूँ, मतलब सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, थोड़ा सा उनको टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है, देना चाहिए, और एक थोड़ा सा पैम्परिंग जरूरत होती है लड़कियों को। सो आई थिंक विक्की करता है बट अंकिता को फिर और चाहिए होता है, फिर जो करता है फिर और चाहिए होता है, ऐसा लगता है मुझे, और हर लड़के के साथ यही होता है। बट इसमें ब्रेक नहीं माननी चाहिए, इसमें और जाना चाहिए और बाहें फैला देनी चाहिए जब तक तुम शाहरुख ना बन जाओ। तो आप अंकिता को चूंकि पहले जानते हैं, अगर घर के अंदर की बात करें आपको कुछ बदलाव दिख रहा है अंकिता के अंदर या वैसी ही दिख रही है आपको? नहीं नहीं, वो वैसी ही है, एकदम मस्त वैसे ही रह रही है। आई डोंट थिंक दे आर प्लेइंग एनी गेम, है वो तो रह रहे हैं यार, और गेम भी क्या होती है, थोड़ी देर आप सोचते हो कि हाँ गेम है फिर आप पकड़े जाते हो, 24 आवर्स जब कैमराज होते हैं तो आई डोंट थिंक यू कैन रियली स्टिक टू एनी गेम प्लान, तुम अपनी पर्सनैलिटी निकलती निकलती है तुम्हारी। और विक्की भैया जो बने हैं सब घर का सारी चीज़ें यू नो सबसे बड़ा गुडी गुडी बन रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? विक्की भैया बस विक्की भैया स्टाइल में खेल रहे हैं, वो मज़े कर रहे हैं अपना, सबको संभाल रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, वो हमेशा वैसे भी ऐसे ही होते हैं, मतलब सबका ख्याल रखते हैं, तो वैसे ही चल रहा है उनका आई एम श्योर। और ईशा को अडॉप्ट किया है उन लोगों ने? अडॉप्ट कर लिया अब अच्छा पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, बट हाँ ईशा का गेम में मज़ा आ रहा है, वो जो ट्राइंगल लव स्टोरी सी चल रही है, जो क्या कहते हैं उसको, कौन सी फिल्म थी, आई थिंक थोड़ा बहुत डर का एंगल डला हुआ है अंदर, थोड़ा बहुत मुझसे शादी करोगी कि दो हीरो एक हीरोइन आपस में टक्कर टैटरान वैसे वाली फील आ रही है, तो अच्छा एंगल है ये। बट अभी यू नो अभिषेक ने एक बड़ा विक्की से बात कर तो एक ईशा की मॉम के बारे में बात किया कि उनको बड़ा पार्टी का शौक है, ये बहुत खुलासा किया एक तरह से, आपको लगता है सही है मतलब पर्सनल लेवल पे जाके मॉम के बारे में? नहीं गलत है, बाहर की बातें तो करनी नहीं होती मैंने सुना है तो, बट फिर कराए अगर कोई क्या ही बातें करेगा, तो कर दिया तो फिर झेलेगा वो, वीकेंड के वार पे सलमान सर बताएंगे उसको। जो भी आपके फैंस हैं अंकिता के लिए कुछ कहना? अरे प्लीज़ वोट फॉर माय फ्रेंड अंकिता लोखंडे एंड सेकंड वोट फॉर विक्की भैया, दोनों मेरे फेवरेट्स हैं, और आई एम श्योर जो भी अच्छा हो आपकी तरफ से उनको तो वोट करिए, लेकिन अगर आपका कोई फेवरेट नहीं है तो फिर आप मेरे फेवरेट को वोट कर दें, थैंक यू। इसके साथ ही करण, चूँकि हम आपको बहुत दिन से बात भी करना चाह रहे थे, ये पूरा मामला हुआ है करण, पहली बात तो ये बहुत आप कैसे देखते हैं, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाह रहे हैं? आएगा टाइम तो मैं आराम से करूँगा।